हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अभी दो दिन बाद नागपुर जा रही हूँ मेरे घर पे। एक्चुअली जब से शादी हुई है, मतलब अभी ऑलमोस्ट दस महीने हो चुके हैं मेरे शादी को, और ये उसके शादी के बाद तुरंत ही लॉकडाउन हो गया था, तो मैं घर भी नहीं जा पाई थी। तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं कब जाऊँ और कब नहीं। दो दिन बाद मैं नागपुर जाने वाली हूँ मेरे मम्मी पापा के पास, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कब वो दिन आएगा मैं जब जाऊँगी घर पे। और मेन ये बात है कि मैं मेरे मम्मी को सरप्राइज़ दे रही हूँ, उनका बर्थडे है 3 दिसंबर को, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो कैसी, मतलब कैसा रिएक्शन होगा उसका। बहुत ज़्यादा शॉक होने वाली है वो, क्योंकि सबको पता है, पापा को पता है, वैशु को पता है, उमेश को पता है, लेकिन मम्मी को अभी तक कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं है कि मैं आने वाली हूँ करके। हाँ, बीच बीच में वैशु और पापा के मुंह से निकल गया था हल्का सा, लेकिन वो मतलब कर लिया कुछ तो मैनेजेबल, मैंने भी कुछ तो संभाल लिया था बात। लेकिन अब मैं देखने वाली हूँ कि उनका क्या रिएक्शन है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल मैंने कुछ मम्मी पापा और वैशु उमेश के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए, तो मैं वो अभी रैप करूँगी और फिर मैं पैकिंग करूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है, तो चलो कम ऑन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, पैकिंग करने से मतलब गिफ्ट रैप करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपने घर वालों के लिए क्या लिया है। तो पहले मैं आपको मेरे पापा का गिफ्ट दिखाती हूँ। तो मैंने उनके लिए परफ्यूम लिया है। एक्चुअली उनको परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उनको मैं मतलब कहीं पे भी घूमने भी जाती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में मतलब परफ्यूम ही हमेशा दिमाग में आता है, क्योंकि मैं कभी अगर टी शर्ट या शर्ट ले जाऊँ ना, तो मतलब कैसे है, उनका साइज़ कभी नहीं होता है, कभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो कभी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं परफ्यूम ही ले लूँ और अच्छे ब्रांड का ले लूँ, बस मैं यही हमेशा सोचती हूँ। तो मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ मतलब उनका बर्थडे हो या कुछ भी हो, मैं पता नहीं क्यों तो परफ्यूम ही लेती हूँ। तो मैंने उनके लिए परफ्यूम लिया है। और उमेश के लिए मैंने वॉलेट ख़रीदा है। एक्चुअली मैंने दो कलर लिए है उसके लिए, एक ब्राउन और एक ब्लैक कलर का। तो मैं इसमें से एक ही रैप करूँगी और मतलब उसको चॉइस करने दे दूँगी कि उसको कौन सा कलर चाहिए। और उसके बाद वैशु के लिए मैंने ट्रैक सूट लिया है। आजकल वो डेली एक्सरसाइज कर रही है, तो वो हमेशा बोलती थी कि मुझे एक ट्रैक सूट चाहिए। तो मैंने उसके लिए ट्रैक सूट खरीदा है। एक्चुअली ये गिफ्ट नहीं है, उसको पता है कि मैंने ये लिया है, लेकिन फिर भी मैं ये रैप कर दूंगी ताकि उसको भी अच्छा लगे कि भाई दीदी ने गिफ्ट लाया करके। और मेन मम्मी का गिफ्ट, मैंने मम्मी के लिए ड्रेस खरीदा है। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्रेस है। एक्चुअली मैंने इसे खोल के भी देखा है, अभी मैंने इसे थोड़ा अच्छे से पैक किया है, तो मैं इसे खोल के नहीं दिखाऊंगी। जब मेरी मम्मी पहनेगी तो मैं आपको पूरा दिखा दूंगी कि वो कैसी लग रही है करके। शायद तक ये अल्टर तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं, अभी वो ट्राई करेगी तब पता चलेगा। अगर आपको ये ड्रेस अच्छा लगेगा तो मैं ये, जब मेरी मम्मी पहनेगी, अगर आपको ये ड्रेस अच्छा लगेगा तो मैं लिंक में इसका मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ऑर्डर कर देना। तो ये मम्मी के लिए ड्रेस। तो अभी हम लोग फटाफट गिफ्ट रैप करते हैं। See the end of this, just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. DJ Trump. I hate you, I love you, I hate that I love you, don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you, you want her, you need her, and I'll never be. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat, still got sand in my sweater, some nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. I'm always tired, but never of you. If I pulled you on you, you wouldn't like that. So, my gift wrap abhi ho chuke hai. Abhi main karungi bags pack.
तो लेट्स गो। तो मैं दो बैग्स लेके जा रही हूँ, तो एक में तो मेरे और नीलेश के कपड़े रहेंगे और एक बैग में जो मुझे घर के लिए लेके जाना है और जो गिफ्ट्स मैंने अभी रैप किए वो मैं इसमें डालूंगी। और तो वापस आने के वक्त तो फिर सब लोगों को होता है ना, घर से कुछ तो लेके आना ही है। तो मैं भी सेम वैसे ही हूँ, मैं अभी घर जाऊंगी तो जो भी मेरी मम्मी मुझे बना कर देगी वो मैं सब कुछ लेकर आ जाऊंगी यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने एक अलग से बैग की है, मतलब कैसे कुछ भी जो खाने का वगैरह कुछ चीज़ होगा तो वो इसमें कपड़ों में मिक्स ना हो जाए, क्योंकि दाग वाग लगने का थोड़ा सा डर रहता है, तो मैं इसीलिए सेपरेट सेपरेट ही सब कर रही हूँ। तो लेट्स पैक नाउ। तो अभी बस मुझे घर पे पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए, तो मैं अभी जा रही हूँ शॉपिंग करने, क्योंकि डीमार्ट जा रही हूँ। मुझे घर के लिए भी थोड़ा राशन वगैरह भी लेना था, तो मैं सोचा कि डीमार्ट में ही अभी खरीद लेती हूँ। टॉप्स एंड पैंट्स ऐसे ही लेना है बस, तो मैं मिलती हूँ डायरेक्टली आपको डीमार्ट। फीलिंग यूज्ड बट आई एम स्टिल मिसिंग यू एंड आई कांट see the end of this, just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. DJ Trump. I hate you, I love you, I hate that I love you, don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat, still got sand in my sweater, some nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. I'm always tired, but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this. तो गाइज़ मैं डीमार्ट से अभी शॉपिंग करके आ गई हूँ। नहीं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई अभी। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग मिलते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइज़ मेरे चैनल को, और अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बाय गाइज़।